हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 का। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का जो विलोम है इसी पे बेस्ड है पूरा चैप्टर आपका। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आकृति में डी समांतर ओ क्यू, ये आपका फिगर आपका दिया है। डी समांतर ओ क्यू यानी ये ओ क्यू और ये डी समांतर है। डी एफ समांतर क्यू आर, ये जो डी एफ है ये डी एफ समांतर ओ आर। डी एफ समांतर ओ आर ये है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर यानी ई एफ समांतर क्यू आर आपको दिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, डी समांतर ओ क्यू ये है और डी एफ समांतर ओ आर, ये आपका क्या है पता है दिया है। सिद्ध क्या करना है आपको, ई एफ समांतर क्यू आर, ये आपको सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस ट्रायंगल में ई डी समांतर ओ क्यू, ई डी और ओ क्यू समांतर है। तो हम लोग ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल देखिए आप मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ट्रायंगल ओ पी क्यू ये आपका ओ हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, इसको मिलाइए ये। और फिर ई डी कहाँ है, ई किस पे है, पी क्यू पे, पी क्यू पे कहीं ई है और ओ पी पे कहीं डी है, ये आपका हो गया ओ डी, ये मिला दिया हमने। अब इसमें क्या है, डी समांतर यानी ये जो डी समांतर ओ क्यू है ये आपको पता है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई, यानी ई डी आपने किसके समांतर खींचा, ओ क्यू के समांतर खींचा, तो ये क्या करेगी, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू ओ, ओ पी क्यू आप कुछ भी कहें, ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या है, ई डी समांतर क्यू ओ। तो ई डी पी क्यू ओ के समांतर है, तो पी अपान ई पी क्यू इक्वल टू पी डी अपान डी ओ, पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी डी अपान डी ओ। ये कहाँ से पता चला, प्रमेय 6.1, थेल्स प्रमेय आपका यही कहता है कि अगर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये मैं ट्रायंगल मिटा देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ओ पी आर, मैं ओ पी आर को यहाँ पे बना देता हूँ, ये पी है, ये आर है, ये ओ है, और ओ पी पे देखिए डी है कहीं पे और पी आर पे एफ है। ये इसमें क्या है, डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर यहाँ पे है, इसमें क्या है, डी एफ समांतर ओ आर, ये आपको पता है। तो ये डी एफ ओ आर के समांतर है, यानी ये जो रेशियो होगा दोनों को जो डिवाइड क्या होगा, यानी पी डी अपान डी ओ इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, ये इक्वल होगा कि नहीं इक्वल होगा, ये क्या कहता है, ट्रायंगल पी ओ आर में
क्या है? डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर क्योंकि आपको दिया है, डी एफ समांतर ओ आर वो आपको पहले से दिया है, अतः पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। ये कहाँ से पता चला? 6.1 पर में यही कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है, दोनों भुजाओं को जो कट करती है, तो ये अनुपात पी डी अपान डी इक्वल टू पी एफ अपान ये होता है। इसको इक्वेशन नंबर हमने एक कह दिया और इसको समीकरण नंबर दो। अब देखिए पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ की वैल्यू ये है, पी डी अपान डी ओ की वैल्यू ये है, तो हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण एक तथा दो से समीकरण एक तथा दो से पी डी अपान डी ओ के मानों को बराबर करने पर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। जो पी डी अपान डी ओ की वैल्यू ये है, फिर पी डी अपान डी ओ की वैल्यू ये है, तो आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा? पी अपान ई क्यू। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, पी अपान ए क्यू क्या है? पी डी अपान डी ओ, और यहाँ पी डी अपान डी ओ क्या है? पी एफ अपान एफ आर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी पी अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। इस रिजल्ट पे हम लोग पहुँच गए कि पी ई अपान ई क्यू, अब देखिए ये क्या है, पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर को मैं यहाँ छोटा सा बना के दिखा देता हूँ, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये क्या है? ई एफ है। इसमें क्या है? पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर एक भुजा जो एक दो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी पी एफ अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर है, तो समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये क्या होगी? तीसरी भुजा के समांतर होगी, तो ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। ये प्रमेय 6.2, आपको यही सिद्ध करना था, ई एफ समांतर क्यू आर। तो इसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन देखेंगे, यहीं तक रखते हैं फिर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।